क्लास फोर्थ इंग्लिश ग्रामर चैप्टर वन सेंटेंस. ओके सो द नेम इज द सेंटेंस. बाय नाउ वी हैव लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेंटेंस. यू नो व्हाट इज सेंटेंस. अ वर्ड कैन मेक्स प्रॉपर सेंस या दे मेक्स प्रॉपर सेंस. द वर्ड्स मेक्स प्रॉपर सेंस. जो प्रॉपर सेंस बनाते हो द एंड कंप्लीट उसी से ही हमारे सेंटेंस बनते हैं. वी यूज वर्ड टू एक्सप्रेस आर थॉट्स एंड फीलिंग्स. हम वर्ड्स को उसी इन जब सेंटेंस के अकॉर्डिंगली हम अपने वर्ड्स जो होते हैं उनको अपनी फीलिंग अपने थॉट्स पे एक्सप्रेस करते हैं. इफ़ यू आर एंग्री होते हो तो क्या बोलते हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आई डोंट वॉन्ट टॉक टू यू. तो ये क्या हो गया, हमने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करी. ठीक है. व्हेन दीज वर्ड्स आर अरेंज इन अ प्रॉपर वे. जो वर्ड्स प्रॉपर वे में अरेंज किए जाते हैं वे स्टेरिंग अ कंप्लीट थॉट. जो पूरी तरह से एक विचार को भी एक्सप्रेस करते हैं अ सेंटेंस इज फॉर्म्ड. ओके लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड. अभी इसी जब हम कोई सी चीज़ को प्रॉपर वे में एक्सप्रेस करते हैं प्रॉपर सेंटेंस बना के, अगर हम सपोज दैट अगर हम ये कहें कि कल आपने क्या किया था तो वी आर यूजिंग ए पास्ट टेंस. और प्रॉपरली सेंटेंस बनाना, आप ये थोड़े ना बोलो कल मैंने खाना खाया है, खाना खाया है तो प्रेजेंट में आ गया. तो जब ये जिस वर्ड से हम प्रॉपरली अपने चीज़ों को एक्सप्रेस कर सके या सही वे जो होता है ग्रुप ऑफ सेंटेंस होता है उसी को ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस. करेक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स, नॉट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ओके फर्स्ट लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. ओके हैज़ अ अराइव्ड प्राइम मिनिस्टर. ये सही है? नो, दिस इज अ डेफिनेटली दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड बट इज नॉट मेक्स अ करेक्ट सेंस. जो करेक्ट सेंस क्रिएट करे. टाइम योर वेस्ट नेवर. ठीक है. नाउ रीड द सेम ग्रुप ऑफ वर्ड प्लीज प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर. नाउ इट्स प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर. द प्राइम मिनिस्टर हैज़ अराइव्ड. नेवर वेस्ट योर टाइम. रिमेंबर अ सेंटेंस ऑलवेज बींग विथ अ कैपिटल लेटर. एवरी वन नोज द फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल. पहला लेटर जो होता है हमेशा कैपिटल होता है. इन द साइड फर्स्ट लेटर कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल. सेकेंड एंड एंड विद द सुटेबल पंचुएशन मार्क लाइक अ फुल स्टॉप. अगर हम नॉर्मली बोलते हैं जस्ट लाइक द प्राइम मिनिस्टर हैज़ अराइव्ड तो वी यूज फुल स्टॉप. क्वेश्चन मार्क्स तो जब हम वाई विच वॉट हाउ यूज़ करते हैं दैट टाइम वी यूज़ क्वेश्चन मार्क. एंड एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ऐसे ही एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं. ओके अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज नॉट मेक कम्प्लीट सेंस बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज. एक ऐसा वर्ड ग्रुप जो सेंस तो बना रहा है बट प्रॉपर सेंस नहीं बना रहा है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेज. जैसे कि इन अ गार्डन, क्या है, गार्डन में वर्ड आ रहा है ना, इन अ गार्डन, गार्डन में. बट दिस इज नॉट अ प्रॉपर सेंस. बट दिस दिस वर्ड द ग्रुप ऑफ वर्ड नॉट मेक्स अ प्रॉपर सेंस. ये आपको एक ग्रुप तो बना रहा है हमें पता चल रहा है लेकिन प्रॉपर एक सेंटेंस नहीं बन रहा है. हम ये कह सकते हैं आई एम इन द गार्डन, मैं गार्डन में हूँ. ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉपर सेंटेंस आएगा. तो जो सेंस तो बने बट प्रॉपर सेंस ना बने वो क्या होते हैं, फ्रेजेस. सेकेंड फॉर 7 hours of great beauty by night. Remember, a sentence always has a verb in it but a phrase does not contain a verb. Okay? Get, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, get cracking with more words. Change any letters in the given words to make new words. The first one has been done for you. एक जो है उन्होंने done किया है. हमें क्या करना है, ऐसा एक word, इसमें कोई एक ऐसा word लगाना जिससे sense बने, word proper बने. जैसे कि hotel, तो hotel का motel हो गया. ठीक है, हमने किया slide, glide, trace, brace, brush, sorry, crush, brush. हमने क्या किया, केवल कुछ फर्स्ट लेटर हमने चेंज करके अदरवाइज ऑल लेटर्स आर सेम. ऐसे ही आपको ये भी करना. फ्लोर का क्या हो जाएगा, आपको करना है
ठीक है, ब्रूम, ब्रूम मीन्स होती है झाड़ू, आपको क्या ब्रूम का क्या हो जाएगा, आपको लिखना है ब्रूम, हम हाँ ये दिस इज योर होमवर्क, ओके। नर्स का क्या करना है, गेट का क्या करना है, नाउ जस्ट डन विथ योर ओन सेल्फ, ओके। मैं इसकी पिक भेजूंगी आपको, तो आपको ये अपने आप करके देना, ओके। सो हैव अ नाइस डे।